रोज सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों को देखो। तुम्हारी हथेलियों में भगवान विराजित होते हैं। उन्हें धन्यवाद कहो और उनसे प्रार्थना भी करो कि वे हमेशा तुम्हारे साथ बने रहें। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ और फिर ही अपने दिन की शुरुआत करो। जितना अपने घर को साफ रखोगे ना, उतना तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, और जितना तुम प्रसन्न रहोगे उतना अपने काम ठीक से कर पाओगे तुम। व्यायाम भी रोज करो, तबीयत अच्छी रहेगी फिर तुम्हारी। व्यायाम के साथ साथ क्या खा रहे हो सारे दिन में उस पर भी ध्यान दो। जितना ज़्यादा घर का बना हुआ खाना खाओगे उतना ही तुम्हारी सेहत तुम्हारा साथ देगी भविष्य में भी। कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ तुम्हें अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। तुम सोचते हो कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, फिर भी बस शांत रहने का मन कर रहा है। ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं लगना, ये मैं समझ सकता हूँ बच्चे। ये इसलिए भी होता है क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी खुद की असली पहचान दिखाना चाहता है। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारे मन में बदलाव लाता है ये। इसलिए चिंता ना करो, तुम्हें कुछ समय में पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का असली मकसद क्या है। ध्यान में बैठो, तुम्हें मैं मार्गदर्शन दूंगा। फिर खुश रहो।